वहीं छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार धान तो खरीद ना सकी, गोबर खरीदेगी। धान तो खरीद नहीं सके यार, अब गोबर खरीदेंगे, उसका क्या हिसाब रखेंगे। धान को खरीद लेते महाराज, एक एक दाना धान खरीदी की बात थी, बोनस की बात थी, दो साल का बोनस बचा हुआ है उसको पैसा देने की बात। उस समय जब बोनस की बात होती है, नौकरियों की बेरोजगारी भत्ता, तो बोलता है पैसा नहीं है। खरीदे ना, गोबर भी खरीदे, मगर धान भी खरीदे, गोबर भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, खरीदे तो बहानेबाजी नहीं हुई। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने गोबर खरीद को लेकर बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गाय की राजनीति करने वाले को गोबर से क्यों हो रहा है ऐतराज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गायों की हत्या की जाती रही, करोड़ों रुपए अनुदान लेने वाली गौशालाओं में गड़बड़ियां होती रही, गौ मांस, गाय के चमड़े और गाय की हड्डियों के व्यापार के लिए गायों की हत्या की गई, उस भारतीय जनता पार्टी को यह कैसे रास आ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो गई है गोधन न्याय योजना की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ रायपुर से हमारे आवेश तिवारी जी। आवेश जी, जब से ये गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई, हम देख रहे हैं कि सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां सरकार इसे एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, और वहीं फिर पलटवार भी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो इतनी ज्यादा इस पूरी योजना को लेकर सियासत क्यों हो रही है? ये देखिए, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार गोबर की खरीदी कर रही है, और ये निसंदेह 1.5 रुपए किलो में जो गोबर की खरीदी का कार्यक्रम है, सरकार इसे भूपेश सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है। ये देखना होगा कि आने वाले वर्षों में ये कितनी सफल रहती है। लेकिन एक बात सच है कि इस योजना से प्रवासी मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को, गौ पालकों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो छुट्टा पशुओं की एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, बड़ी संख्या में मौतें होती हैं सड़कों पर ग्रामीण इलाकों में, उससे भी बचाया जा सकेगा, गायों की सही मायनों में सेवा हो सकेगी। एक इसमें एक बड़ी चीज ये बता दें कि रमन सरकार विरोध कर रही है, यह सच है, और सियासत होती रहेगी, लेकिन कुछ चीजें बड़ी रोचक हैं इसमें। जैसे कि इसमें सरकार ने फैसला किया है कि हम गौ पा जो भी गोबर इकट्ठा करेंगे उनके लिए, जो देंगे गोबर खरीद बेचने वाले लोग होंगे उनके लिए बकायदे कार्ड बनाएंगे, उस कार्ड में उन्होंने कितना गोबर दिया है, कितना गोबर बेचा है उसका उल्लेख रहेगा, और इसका भुगतान हम पाक्षिक करेंगे, हर 15 दिनों पर इसका भुगतान होगा। अभी आपको बता दें कि जब गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि गोबर को क्यों ना कांग्रेस सरकार उसको राज्य चिन्ह बना देती है। बहुत विवाद हुआ उस पर, तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों ने बोला। अब रमन सिंह का बयान आया है, मुझे लगता है कि देर माने आज किसी भी वक्त निश्चित तौर पे कांग्रेस से भी कोई ना कोई रमन सिंह का जवाब जरूर देगा। तो ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये योजना जो है अपने आप में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गोबर खरीद करने वाला पहला राज्य है, और इस न्याय इस ये जो योजना है उससे उसका उद्देश्य बहुत साफ है यहाँ पर आवेश जी, कि किस तरह से ग्रामीणों को इसमें फायदा मिलेगा, किस तरह से पशुपालन में इसमें स्थिरता और इसमें और आगे बढ़ेगा पशुपालन। लेकिन फिर भी यहाँ सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा सियासत का बनता जा रहा है, कि यहाँ पर ये क्यों नहीं देखा जा रहा कि इससे ग्रामीणों को कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में खेतिहर किसान बहुत परेशान है। रात भर जाकर खेतों में पहरा देते हैं, क्योंकि छुट्टा पशु उनकी खेत खेत को नष्ट कर डालते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात नजर आती है, इसको भूपेश सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी से जोड़ा है। वो कहते हैं कि हम गोबर की खरीद से किसानों को गौ पालकों को तो सशक्त बनाएंगे ही, वर्मी को कंपोस्ट का उत्पादन करेंगे, इससे खेतिहर किसानों को फायदा होगा, शहरों में भी गोबर कैसे इकट्ठा किया जाए इसकी योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, रोजगार का एक अवसर यह भी है, जिसको हम निरर्थक समझा करते थे उसको रोजगार के अवसर में बदल दिया गया।
तो मुझे लगता है कि राजनीति से अलग हट करके इस योजना की तारीफ सबको करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में सियासत होती है और होती रहेगी, इस मुद्दे पर भी होती रहेगी, ये तय है। तो इस गोधन न्याय योजना को राजनीति से अलग करने की जरूरत है, और देखने वाली बात तो ये होगी कि किस तरह से ये और ज्यादा फायदा पहुंचाती है ग्रामीणों को। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।